नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द BS30 स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू कर्व। अब आज देखिएगा, आज अपन डिस्कस करेंगे क्या रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्या है आपके पास में? रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी, मतलब इसका मतलब क्या है कि राशियों के परिवर्तन की दर, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। मतलब एक इसको बोल देते हैं क्या, राशियों के परिवर्तन की दर, मतलब इसकी मतलब समझना कि जब अपन एक क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज दैट एक्स कोई क्वांटिटी है और उसमें मैंने स्मॉल चेंज किया, मान लो डेल एक्स का रेड किया या माइनस किया, तो उसके रेस्पेक्ट में आपके पास वाई में क्या इफेक्ट पड़ेगा, या तो वो डेल वाई का इफेक्ट पड़ेगा। जैसे सपोज दैट एक्स में चेंज किया, चाहे तो आप इंक्रीज किया चाहे डिक्रीज किया, तो उसके रेस्पेक्ट में वाई में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही चीज़ अपन को फाइंड आउट करनी होती है। उसी को अपन क्या बोल देते हैं, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो जिसको इसको अपन टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे मान लो डेल एक्स है, तो डेल एक्स किसके रेस्पेक्ट में, तो इसको बोल दिया जाता है डेल एक्स अपॉन डी टी, सॉरी डेल डेल टी, या इसी चीज़ को अपन क्या लिख लेते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब एक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हुआ, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में टाइम में क्या चेंज हुआ, ठीक है। यहीं पर देखिएगा, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपके पास में ये ले लिया मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड। सपोज दैट मैं मान लो इसमें चेंज करता हूँ स्मॉल, पहले देखिएगा, अब आपसे पूछा जाता है कि अगर मैं एक्स में स्मॉल चेंज करता हूँ, एक्स में अगर मैं चेंज करता हूँ, जैसे पहले था एक्स, अगर इसमें मैं चेंज कर देता हूँ डेल एक्स का, मतलब तो पहले आपका पैरीमीटर क्या था 4x, और फिर बाद में क्या हो गया आपके पास में सपोज दैट, तो इसकी साइड क्या हो गई, साइड इसमें एक्स प्लस डेल एक्स, तो ऐसे भी ये क्या हो गया एक्स प्लस डेल एक्स, ऐसे ही इसमें क्या होगा एक्स प्लस डेल एक्स, ऐसे ही इसमें क्या होगा एक्स प्लस डेल एक्स। इसी तरीके से आपके पास में क्या हो जाएगा पी इक्वल टू, पहले तो क्या था 4x था, अब टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो गया पेरीमीटर इसकी, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस डेल एक्स, मतलब आपके पास में 4 times ऑफ डेल एक्स का क्या हो गया चेंज हो गया विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी टी, मतलब आपके पैरामीटर में चेंज हो गया कितना 4x प्लस डेल एक्स, मतलब स्मॉल चेंज हुआ। तो ये चीज़ अपन को फाइंड आउट करनी होती है कि एक क्वांटिटी में चेंज करने के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यहीं पर अपन एरिया का बोल देते कि एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, या एरिया की रेट चेंज क्वांटिटी निकालिए, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये चीज़ अपन को फाइंड आउट करनी होती है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, मतलब एक क्वांटिटी में अगर चेंज कर रहे हैं तो उसका दूसरी क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ अपन को फाइंड आउट करनी होती है। जैसे कि अब मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहीं पर देखिएगा, एक कोई स्क्वायर है, ठीक है, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर, इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, then find the
रेट ऑफ इंक्रीजिंग, रेट ऑफ इंक्रीजिंग, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब दोनों चीज़ फाइंड आउट करने की, पैरामीटर पर क्या रेट से चेंज होगा और एरिया भी आपके पास है किस रेट से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो चीज़ है। तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो एरिया भी, पैरामीटर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सपोज दैट पहले अपन ने मान लिया एक्स था, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है, ये क्या है आपके पास में एक्स एक्स एक्स, ठीक है, पहले क्या था एक्स 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 मान लिया। तो इसकी पता ही है सॉल्यूशन अपन, तो देखिए P इक्वल टू क्या होता है आपके पास में पैरीमीटर, पैरीमीटर मान लिया, पैरीमीटर बराबर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई मैंने एक्स माना, ठीक है, अपन ने एक्स इक्वल टू क्या मान लिया साइड ऑफ स्क्वायर। अब ये चेंज किस रेट से हो रही है, तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में हो रही है, तो ये इसका मतलब क्या है कि डी एक्स अपॉन डी टी किस रेट से चेंज हो रही है, 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपके पास में गिवन है। तो पैरीमीटर बराबर क्या हो गया आपके पास में पी बराबर 4x, तो इसको कीजिएगा तो पी, आप इसका डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। तो यहाँ से देखिएगा आपके पास क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी बराबर 4 कॉन्स्टेंट, ये क्या आपके पास है डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी। अब आपको डी एक्स अपॉन डी टी की तो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.6 दे रखी है, ये हो जाता है आपके पास डी पी अपॉन डी टी बराबर 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाता है आपके पास 2.4, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाती है आपके पास में रेट चेंज ऑफ पैरामीटर, इसी को अपन क्या बोल देते हैं कि रेट चेंज इन पैरामीटर, पैरामीटर में आपका पास में कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, वो चीज़ आपके पास में कितनी आ जाती है 2.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये तो आ गई किसकी पैरामीटर की आ गई। अगर यहीं पर अपन निकालते हैं किसका एरिया का, तो एरिया बराबर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है भुजा मतलब साइड स्क्वायर। अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो देखिएगा, तो एरिया ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपके पास है, जैसे यहाँ पर मानिए मान लो आपके पास है साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड क्या मानिए मान लो एरिया, मैंने ए से डोनोट कर लिया, साइड क्या मानिए आपके पास है एक्स, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, ठीक है, अब निकालिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो कीजिएगा इसका क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी बराबर, इसका क्या हो जाएगा 2x, और डी एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी एक्स का, और डी एक्स अपॉन डी टी आपको पास में वैल्यू दे रखी है 0.6, ठीक है, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर आपके पास है 2x, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये कितना हो जाएगा 1.2,
इसको कर दो 1.2, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपके पास में स्क्वायर में, ये भी क्या आ जाएगा, और 1.2 एक्स सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर यहीं पर अगर अपना आपके पास में क्या है एक्स की वैल्यू अगर आपको दे रखी होती, सपोज दैट आपसे बोलता कि एक्स बराबर टू सेंटीमीटर पर आपको फाइंड आउट करना है एरिया, रेट चेंज ऑफ एरिया, कि एरिया की रेट किस रेट से चेंज कर रही है, तो उसके लिए क्या हो जाता है आपके पास में कि dA/dt, तो x की जगह पर क्या पुट कर देते 2, तो ये हो जाता है आपके पास में क्या कि 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपके पास कितना 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये जब है जब आपको x की वैल्यू दे रखी होता है, अब x की वैल्यू दे रखी है तो x की जगह पे पुट कर दो, ये आपके पास में बोल दिया, ठीक है, तो ये निकल जाता है आपके पास क्या dA/dt, तो ये क्या माना था एरिया, तो ये आ जाता है आपके पास में रेट चेंज इन रेट चेंज इन एरिया, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, रेट चेंज। इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 2 कि एयर इज लीकेज फ्रॉम ए बैलून, एट द रेट ऑफ 3 cm³/s, find the rate of decreasing, क्योंकि इसमें क्या होगा डिक्रीज होगा, rate of decreasing of the radius when radius is 7 cm, ठीक है, मतलब आपके पास में क्या दे दिया आर की वैल्यू दे दी है और क्या दे दिया आपके पास में ये दे दिया है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर किसका किसकी यूनिट होती है वॉल्यूम की, तो ये क्या है वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, तो ये दे रखा होगा आपके पास में क्या dB/dt दे रखा है, dB/dt दे रखा है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा देंगे 3 cm³/s, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है ये, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है 3 cm³/s, ठीक है, ये दे रखा है। अब मेरे को बताइए वॉल्यूम बराबर क्या होता है, अगर आप वैलून है, वैलून कैसा होता है आपके पास में गोल होता है, ठीक है, मतलब आपके पास में क्या होता है सर्कल होता है, तो सर्कल का वॉल्यूम क्या इतना होता है 4/3, या गोलाकार होता है, गोले का आयतन क्या होता है आपके पास में, ठीक है, 4/3 πr³, ठीक है, तो इसका आयतन इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो देखिएगा किस रेट से कम हो रहा है, तो इसमें क्या कीजिएगा इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये हो जाएगा आपके पास dB/dt बराबर 4/3 कॉन्स्टेंट पाई कॉन्स्टेंट आर क्यू का क्या हो जाएगा आपके पास 3r² और dr/dt
तो ये हो जाता है आपके पास में कितना कि डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, माइनस के 3 दे रखी है वो अपन रख देंगे। तो ये हो जाता है आपके पास 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी। वैल्यू किसकी निकालनी है अपन को, रेडियस में क्या चेंज हो रहा है, मतलब आपके पास रेडियस किस रेट से डिक्रीज हो रही है वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास में कि डी आर अपॉन डी टी बराबर ये सब किस में चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। इसकी वेव वैल्यू क्या है, माइनस के 3, तो माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है 4 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 7 सेंटीमीटर, ये 7 इसका स्क्वायर, ठीक है। दोनों तीनों चीज़ की डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू रख दी, माइनस के 3 4 पाई आर की वैल्यू रख दी, आर के बराबर कितना दे रखा है आपके पास 7 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू पुट कर दी, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों की वैल्यू पुट करने से अब देखिएगा यहाँ पर, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डी आर अपॉन डी टी बराबर माइनस के 3 4 पाई की वैल्यू रख सकता हूँ मैं 22/7, ठीक है। यहाँ पर कितना बच जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर, ठीक है, एक से ये कैंसिल आउट, 7 का मल्टीप्लाई इससे और डिवाइड वो ये इसमें आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस के 3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास में, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 88 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो इसका कर दो 56, 7/8 56/5 61/616, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 3/6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस रेट से आपके डी आर अपॉन मतलब रेडियस चेंज होगी, किससे, माइनस के 3/660, इस रेट से आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन को क्या है, रेडियस में डिक्रीमेंट होगा। तो इस तरीके से अपन एक क्वांटिटी में अपन ने चेंज किया तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है वो चीज़ फाइंड आउट की जाती है, किससे, रेट चेंज क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी में आपने चेंज कर दिया उसके रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपके मान लो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे अपने खर्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी अपन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।